हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शेपर्स एजुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका बड़ा भाई सीए मोहित पापड़िया। मुझे एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर, आप ये रीस्टार्ट सीरीज में इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा रहे हो। भैया, ये रिवीजन सीरीज है, ये डिटेल सीरीज नहीं है, ये रिविजन सीरीज है। 15 मिनट में, 20 मिनट में एक चैप्टर खत्म करना हमें। हम पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट्स लेके बैठे, आपको बहुत फटाफट पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको डिटेल्ड पढ़ना है तो आपको पता है हमारा शेपर्स ऑनलाइन लर्निंग का ऐप आपके लिए अवेलेबल है। जाइए, वहां पे सारी की सारी वीडियोस डिटेल में डाली हुई है, जहां पे एक एक चैप्टर को एक एक घंटे लेके समझाया गया है। और रीस्टार्ट सीरीज में आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा बच्चा लोग। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ेंगे। ये हमारा सेकेंड पार्ट वीडियो है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट का वीडियो डाला था, जहां पे हमने 2 मार्क के इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कुछ चैप्टर्स पढ़े थे। आज उसी चैप्टर्स को आगे लेके जाएंगे, उसी वीडियो को आगे लेके जाएंगे। और चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पॉवर्टी, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं कि पॉवर्टी के अंदर से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला तो बेसिक कॉन्सेप्ट आ सकता है पॉवर्टी का। पॉवर्टी 2 तरह की होती है, पहला होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा होता है रिलेटिव पॉवर्टी। इनके डेफिनेशन, या हो सकता है इन दोनों के डेफिनेशन आपको पूछ ले कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है, रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी एब्सोल्यूट टर्म में होती है, रिलेटिव पॉवर्टी कंपैरिजंस में होती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी आपको एक बेंचमार्क दे देगी कि भैया इस लेवल के अगर आपकी इनकम नीचे है, मतलब आप गरीब हो। जबकि रिलेटिव पॉवर्टी ऐसा नहीं कहती है, वो कहती कंपेयर करो। अगर आपकी सैलरी आपके बाजू वाले से कम है, मतलब आप गरीब हो। आपके बाजू वाले की सैलरी उसके बाजू वाले से कम है, मतलब वो भी गरीब है। तो इस तरीके से खाली दुनिया में सबसे रिचेस्ट आदमी अमीर रहता है, बाकी सारे गरीब रहते हैं। एंड दैट्स द रीजन रिलेटिव पॉवर्टी कॉन्सेप्ट हमारे जैसे इकोनॉमी के लिए नहीं बना है। ये कॉन्सेप्ट डेवलप्ड नेशन फॉलो करते हैं। इंडिया जैसी इकोनॉमी एब्सोल्यूट पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। चलिए, नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन के क्या क्या बेसिक लिमिटेशंस होते हैं, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं 2 मार्क में। सबसे पहला, कैलकुलेटिंग पॉवर्टी एंड डिसाइडिंग पॉवर्टी लाइन। अब ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि आप किस तरीके से डिसाइड करेंगे कि पॉवर्टी लाइन किस पर्टिकुलर लेवल पे होगी, क्योंकि नॉर्मली पॉवर्टी को डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ लोगों ने पॉवर्टी को डिफाइन किया कंजप्शन के बेसिस पे, कुछ लोगों ने पॉवर्टी को डिफाइन किया है इनकम के बेसिस पे, कभी कभार पॉवर्टी को कैलोरी के बेसिस पे भी डिफाइन किया गया है। तो एक पॉवर्टी लाइन को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। सेकंड वन, अब हंगर एक फिजिकल सिचुएशन है, वेयर एज पॉवर्टी इज एन इकोनॉमिक सिचुएशन। इन दिस सेंस पॉवर्टी लाइन डिफाइंड बाय दीज पीपल जस्ट बिकम्स स्टार्वेशन लाइन। इसलिए पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करना एक तरीके से स्टार्वेशन लाइन हो जाता है। वैसे ही अब पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करने के लिए आपको न्यूट्रिटिव लेवल देखना पड़ता है, एडुकेशन लेवल देखना पड़ता है, हाउसिंग, ड्रिंकिंग एंड मेनी अदर लेवल आर टू बी सीन, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एंड दैट्स द रीजन इट इज सो सेड कि कभी कभार पॉवर्टी को कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, हो जाता है। चलिए, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया। अब आप कैसे मेजर करोगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी को इंडिया में, तो आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो, हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अगेन आई एम सेइंग यू, हम गुजरात बोर्ड में, हमारा नसीब ऐसा है कि हम आज भी 11-12 के डेटा पढ़ रहे हैं, हमारे पास लेटेस्ट डेटा नहीं है। अभी तक हम पुराने, अभी तक 2024 में आके 10-12 साल पुराने डेटा को हम आज भी झेल रहे हैं एक तरीके से। सो ये ऐसा कहा जा सकता है कि भैया गांव के अंदर 2011-12 में पॉवर्टी 15% थी, शहरों में 13% थी, एवरेज पॉवर्टी 21% थी। ये डेटा आज से 12-13 साल पहले का है। आज का डेटा 21% नहीं है। हमारी पॉवर्टी अगर लेटेस्ट डेटा निकाला जाए, एस्टिमेशंस तो कहते हैं 10-12% के आसपास है, बट मैं श्योर हूं अगर लेटेस्ट डेटा निकाला जाए तो सिंगल डिजिट में हमारी पॉवर्टी आ गई होगी। इंडिया ने गजब काम किया है पिछले 10-15 सालों में और इंडिया की पॉवर्टी बहुत अच्छी तरीके से कम हुई है। सो यस, ऑफकोर्स हम मान सकते हैं कि पॉवर्टी बहुत हद तक डिक्रीज हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट रह सकता है। चलिए, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हाउसिंग फैसिलिटीज। यार ये ऐसे कुछ आंसर्स है नहीं, कभी कभार एक आधा एग्जाम में पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट ना होने के बावजूद पूरे पेपर में एक आधा एक अजीब सा आंसर फूट के आता है। देखो बच्चा लोग, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, पेपर कभी भी टफ नहीं होता। जब कभी भी अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं ना, वो आपको टफ लगता है। क्वेश्चन फुद्दू है, ये क्वेश्चन पढ़ के मैं मन से लिख सकता हूँ कि भैया अच्छा पानी मिलने से, अच्छी घर फैसिलिटी मिलने से हमारे साथ में क्या बेहतर हो सकता है। आई कैन राइट इट, मैं चाहूं इस पे ऐसे लिख सकता हूं, बट हमने कभी भी इस क्वेश्चन को इतनी इज्जत नहीं दी है। अचानक से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो हम डर जाते हैं कि भैया क्या लिखेंगे,
इसलिए मैं हमेशा से सजेस्ट करूंगा, मैंने इतनी बड़ी पीडीएफ क्यों बनाई है, जबकि मैं खुद आपको कहता हूं कि तीन आंसर मत पढ़ना, एक पढ़ लेना, क्योंकि भले ही वो तीन आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप एक रैंकर हो, अगर आप 85-90% लाना चाहते हो, तो आपको सारे आंसर्स पढ़ना चाहिए बच्चा, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। सो एज आई सेड दिस क्वेश्चन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये मन से भी लिख सकते हो, बट अगर एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे उसके लिए एक बार कॉन्टेंट थोड़ा सा पढ़ लेना कि भाई ड्रिंकिंग वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में 63% पॉपुलेशन को आज ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है। देर आर मेनी पीपल स्टिल जिनके पास पीने लायक पानी नहीं है, जिनको आज भी ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है। 26% हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जो आज भी तालाब से या हैंडपंप से पानी निकाल रही है। इंडिया कितने साल के बाद, अगेन ये सब पुराना डेटा है, 2011-12 का, अभी ऐसी हालत नहीं है। 26% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, अभी ऐसी बात नहीं है, बट देन टू हम इस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज कितने सारे लोगों के पास आज भी पीने लायक पानी नहीं है, कितने सारे लोग आज भी ड्रिंकिंग वाटर ना होने के कारण वो खुद को पॉवर्टी लाइन के नीचे फील करते हैं। और ये हम देखते हैं पुराने पिक्चरों में, हम देखते हैं कि भैया पानी लाने के लिए गाँव की औरतें सर पे मटका रख रख के मीलों दूर जाते थे और पानी भर भर के लेके आते थे, बट आज की तारीख में वो कंडीशंस नहीं है, बहुत सारी जगहों से हट चुकी है। बट हाँ, देन टू देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ विलेजेस जहाँ पे आज भी पानी की किल्लत है। इनफैक्ट ऐसे कई सारे देश हो गए जहाँ पे पानी खत्म हो गया है, पीने लायक पानी नहीं बचा है। इसलिए सरकार इतनी सारी योजना, इतने सारे एड्स निकालती है, सेव वाटर, पानी बचाओ, वरना आगे जाके आपके पास पीने के लिए पानी नहीं रहेगा। वैसे ही हाउसिंग हमारे लिए एक प्राइमरी नीड है। हाउसिंग किस तरह से, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए उसको डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है, बट देन टू हम मान सकते हैं कि हाउसिंग हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट नीड है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि अगर आप शहर में रहते हो और पर पर्सन अगर आपके पास 100 square feet या 150 square feet जगह है, तो वी कैन से दैट यू हैव गुड हाउसिंग फैसिलिटी पर पर्सन। मतलब अगर 5 जनों का परिवार है तो उनके पास करीबन 500 से 700 square feet का घर होना चाहिए, अगर वो एक मिड मतलब टायर टू सिटीज के अंदर रहते हो तो। चलिए, तो ये था हमारा 5th chapter। इसके आगे आने वाला नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। अगेन ये चैप्टर भी इजी है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पढ़ लेना, ओपन एम्प्लॉयमेंट का मतलब पढ़ लेना, अनएम्प्लॉयमेंट में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो सब पढ़ लेना। मैं आपके साथ एक बेसिक डिस्कशन कर लेता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई आदमी काम नहीं कर रहा है या किसी को काम नहीं मिल रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि एक आदमी काम करना चाहता है, एक आदमी काम करने के लिए क्वालिफाइड है, एक आदमी प्रेजेंट वेज रेट पे काम करने को तैयार है और फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा है, मतलब वो अनएम्प्लॉयड है। तो उसे बेसिकली अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा, उसे अनएम्प्लॉयड माना जाएगा। सो दैट इज बेसिकली टर्म एज अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे होते हैं, जैसे सबसे पहला आ गया फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, ये वो अनएम्प्लॉयमेंट होता है जो कभी कभार इकोनॉमी में आता जाता रहता है। भैया ये अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा है जो बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी आ जाता है। एक बार के लिए एक आदमी के हाथ से काम चला गया, वो कुछ टाइम जाके वो काम करने का नया तरीका सीख लेता है, नई टेक्नोलॉजी सीख लेता है, फिर से उसको काम मिल जाता है। दैट इज बेसिकली टर्म्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट एक आदमी जब एक जॉब छोड़ता है और दूसरे जॉब पकड़ता है, उसके बीच के दौरान को अनएम्प्लॉयमेंट जब वो रहता है, उसे कहा जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टेम्पररी होता है, बिकॉज ऑफ मार्केट चेंज होता है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो जाता है, भैया मंदी आ गई, थोड़े दिन काम चला गया, फिर से तेज आएगी, काम मिल जाएगा। दैट इज बेसिकली फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। सो ये अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, ज्यादा लंबे तक ये अनएम्प्लॉयमेंट चलता नहीं है। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकॉज ऑफ लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ये भी आपको 1 mark 2 mark में पूछ सकते हैं। भैया मन से लिखो, कोई जरूरी है रटने की, इसको पढ़ लो, मैंने आपके लिए इतना सारा कॉन्टेंट लिखा है, आप इसको पढ़ लो, बट आप मन से लिखोगे चलेगा। हम कॉमन सेंस से डिस्कशन करते हैं कि भैया द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकॉज ऑफ लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। कॉमन सेंस की बात है, हमारे देश में अगर सेविंग्स कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कम होगा, जब प्रोडक्शन कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा। कॉमन सेंस है, यही चीज को आप तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर दो चलेगा। सेम वे ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स इज मोर एप्लीकेबल फॉर इंडिया। क्यों इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्निक को ज्यादा अच्छा माना जाता है? देखो भैया, प्रोडक्शन की दो टेक्निक होती है, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ज्यादा बेहतर हमेशा से इंडिया के लिए लेबर इंटेंसिव को माना जाता था, ये 2011-12 की बात है। क्यों? क्योंकि तब इंडिया के पास इतना कैपिटल नहीं था, इतना पैसा नहीं था, और मशीन्स लाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए जो इंडिया के पास नहीं होता था। और आबादी इंडिया के पास खूब है, लेबर बड़ा चीप है,
एक आदमी को 300 रुपए देके तुम पूरे दिन काम करवा सकते हो, इतना चीप लेबर है हमारे यहाँ पे। इसलिए इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को अच्छा माना जाता था, पर आजकल ऐसा नहीं है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी कंट्री में आई है, बहुत सारे बड़े बड़े मशीन लेके आए हैं, अरबों खरबों के प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, क्योंकि अब हमारी कंट्री बहुत संपन्न है इन चीजों में पैसा लगाने के लिए। इसको भी आप अपने मन से टिकाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद में कुछ ये स्कीम्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर इरिगेशन स्कीम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। अब इसमें बहुत सारी अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट ने लागू की, जैसे कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जिसको मनरेगा कहा जाता है। राहुल गांधी साहब ने पार्लियामेंट में बहुत बार स्कीम पे डिस्कशन किया है। ये स्कीम को पहले नरेगा कहा जाता था, तो ये स्कीम के बारे में भी बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। ये स्कीम क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे, दैट्स इट। इसके सिवाय और भी बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयंती योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम एंड सो ऑन। देयर आर मेनी अदर प्रोग्राम्स व्हिच आर टू बी टेकन केयर ऑफ। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, इनके नाम और फुल फॉर्म्स भी याद कर लेना। नेक्स्ट आता है फॉरेन ट्रेड, मेरा फेवरेट चैप्टर। फॉरेन ट्रेड बड़ा ही शानदार चैप्टर है। सबसे पहला आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। आपको क्या होता है भैया बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके डेफिनेशन याद कर लो। बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर सिर्फ और सिर्फ विजिबल गुड्स आते हैं, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर विजिबल और इनविजिबल दोनों गुड्स आते हैं। तो डेफिनेशन थोड़ी सी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। सेम वे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में भी पढ़ लेना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या क्या आने वाला है वो पढ़ लेना। अगर बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है तो क्या होता है, अनबैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है तो क्या होता है। बैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल है, जबकि अनबैलेंस मतलब दोनों में से कोई एक ऊपर है कोई एक नीचे, उसे अनबैलेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। खाली डेफिनेशंस पढ़ लेना, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, 2 मार्क में वही आएगा। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन SSI की, आपको 2 मार्क में पूछ सकते हैं। SSI का मतलब क्या होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, किसे कहा जाता है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम हो। इसके अंदर और भी बहुत सारी है, 25 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 5 करोड़ एंड मेनी अदर, बट 5 करोड़ से कम वाली सबको SSI में गिना जाता है। सेम वे जॉइंट स्टॉक कंपनीज क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ लेना। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या क्या हमारे चैलेंजेस है, हमारे यहाँ पे सोशल सेक्टर्स के क्या क्या चैलेंजेस जिसके कारण हमारे देश में आज भी इंडस्ट्रीज इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है, उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए। देखो कहीं ना कहीं हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आज भी अंधविश्वास, सुपरस्टिशन जिसे कहा जाता है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग जिसे कहा जाता है, वो हमारे देश के रूह में आज भी बसी हुई है। उसके कारण कई बार अच्छी अपॉर्चुनिटीज हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ बिलीफ में फंस जाते हैं, उसके कारण हमारे देश में इंडस्ट्रीज पीछे रहती थी। बट पता नहीं यार, मैं ये सब बातें नहीं मान पा रहा हूँ। ठीक है, कुछ लोग ये कहेंगे कि सर आप शहर में बैठे हो इसलिए आपको नहीं पता कि गाँव की क्या हालत है, तो मैं मानता हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत बात है, नहीं, आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक आप करेक्ट हो। बट ऐसा नहीं यार, मैं जिन जिन गाँव में घूमने गया हूँ या जब कभी भी मैं वेकेशन में जाता हूँ कहीं घूमने के लिए, जब मैं सारे विलेजेस को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो हम पढ़ते हैं उतनी खराब हालत नहीं है। हाँ होगी, 100 में से 2 जगहों की वैसी हालत भी होगी, बट अभी ऐसा नहीं है। लोग थोड़े से समझदार होने लगे हैं कंपैरेटिवली, और लोग थोड़े से पढ़े लिखे होने लगे, और पढ़े लिखे होने का यही फायदा है कि थोड़ी सी मैच्योर थिंकिंग, थोड़ी सी मॉडर्न थिंकिंग आ जाती है, तो शायद ये ज्यादा बड़ा रीजन नहीं रहेगा। चलिए, अब क्या इंडस्ट्रीज हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में मदद करते हैं? ऑफकोर्स करते हैं। जब कभी भी इंडस्ट्रीज ग्रो होती है तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रीज ऐसी मशीन्स बनाती है जो हमारे खेती में काम आते हैं, जैसे कि नए नए स्प्रिंकलर सिस्टम, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, और कितने सारे नए नए मशीन्स टूल्स बना रखे एग्रीकल्चर के लिए, ऑल थैंक्स टू इंडस्ट्रीज। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, SEZ के बारे में आपको पूछते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो जोन होता है जो सरकार क्रिएट करती है, जहां पे सारी कंपनीज को टैक्स बेनिफिट मिलता है विद वन सिंगल ऑब्जेक्टिव, भैया एक्सपोर्ट करो, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हो एक्सपोर्ट करो, सरकार को एक्सपोर्ट का पैसा खाना है। उस ऑब्जेक्टिव के साथ सरकार ऐसी इंडस्ट्रीज को बहुत मोटिवेट करती है, बहुत बढ़ावा देती है, राइट? तो ये हो गए आपके SEZs, और ये आ गया हमारा आखिरी चैप्टर, अमर्जिंग इश्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या क्या अमर्जिंग इश्यूज है? सबसे पहला माइग्रेशन, डेफिनेशन आप पढ़ लेना। हमने 5 मार्क वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन पढ़ा था, 3 मार्क वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन पढ़ा था। आप सोचोगे सर हर बार क्यों? क्योंकि भैया इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इसको टिकाएंगे ही टिकाएंगे, माइग्रेशन को टिकाएंगे ही टिकाएंगे, साथ ही में ये पुल फैक्टर पुश फैक्टर भी टिकाएंगे ही टिकाएंगे। चलिए मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि पुल फैक्टर और पुश फैक्टर क्या होता है माइग्रेशन के लिए। 2 मिनट दीजिएगा, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। माइग्रेशन का मतलब होता है जब एक आदमी परमानेंट बेसिस पे अपने गांव से शहर पे आके रहने लग जाता है, उसे कहा जाता है माइग्रेशन। या किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह पे परमानेंट बेसिस पे चला जाता है, उसे कहा जाता है माइग्रेशन।
अब नॉर्मली जब एक गांव से आदमी शहर में आता है तो दो रीजन से आता है, पहला होता है पुल फैक्टर, दूसरा होता है पुश फैक्टर। पुल फैक्टर मतलब उसको खींचा जा रहा है, शहर उसको अट्रैक्ट कर रहा है, शहर की चकाचौंध उसको अट्रैक्ट कर रही है, शहर पे पैसा उसको अट्रैक्ट कर रहा है, शहर का लिविंग स्टैंडर्ड उसको अट्रैक्ट कर रहा है, शहर के बड़े बड़े मकान उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, शहर में ऐश और आराम वाली जिंदगी उसको अट्रैक्ट कर रही है, तो वो शहर की इन सारी चीजों से खींचे 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 शहर आ रहा है, उसे कहा जाता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर बहुत सारे गांव वालों पे एप्लीकेबल था। मेरे आपके पिताजी कभी ना कभी गांव छोड़ के शहर में आए हैं, और क्यों आए हैं? पैसा कमाने के लिए आए। दिस इज पुल फैक्टर। दूसरा होता है पुश फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब होता है गांव में भूखमरी है, गांव में काम नहीं है, गांव में अनएम्प्लॉयमेंट है, गांव में खूब गर्मी है, गांव में खूब सारे सोशल फैक्टर्स है, गांव में रहने जैसा वातावरण नहीं है, रायट्स है, कुछ भी बदमाशी है, और उसके कारण उनको मजबूरन गांव छोड़ना पड़ता है। वो गांव छोड़ना चाहते नहीं है पर उनको मजबूरन गांव छोड़ना पड़ता है, दैट इज टर्म्ड एज पुश फैक्टर। उनको धक्का दिया जा रहा है गांव से कि भैया जाओ शहर जाओ, शहर जाके काम करो। दिस इज पुश फैक्टर। तो ये पुल माइग्रेशन और पुश माइग्रेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छे से टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ना, नोट्स में से पढ़ना। आपने अगर अभी तक नोट्स नहीं खरीदे हैं, जाओ शिपर्स ऑनलाइन अपने खरीद लो यार। 99 रुपीज में भीलपुड़ी भी नहीं आती, जितने में नोट्स मिल रहे आपको वो भी सारे चैप्टर्स के, जाओ मजे से पढ़ते जाओ। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे ही अर्बनाइजेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। नेगेटिव इफेक्ट्स और पॉजिटिव इफेक्ट्स अर्बनाइजेशन के दोनों इंपॉर्टेंट है, प्लीज दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। और ये चैप्टर सबसे इजी और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं चाहूंगा आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते जाइएगा। सो इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है, पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता है। और ये है आपकी दो प्यारी सी किताब, एक है ओसी की और एक है इकोनॉमिक्स की। ये दोनों किताब हमने आपके लिए बना रखी है। अगर आप चाहे तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे शेपर्स एडुकेशन को, और तुम्हारे भाई को, दोनों को फॉलो करते रहिए। जो भी अपडेट होगा बोर्ड के बारे में हम आपको देते रहेंगे। मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे 10,000 फॉलोवर जिस दिन हो जाएंगे ना, एक बार ऑनलाइन लाइव आऊंगा मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करने के लिए, और उस दिन बहुत मजा आएगी। 100% कोशिश करेंगे। जहां तक आप लोग मुझे प्यार बरसाए जा रहे हो, हम 6,000 सब्सक्राइबर्स पर पहुंच गए हैं, बहुत जल्द 10,000 पे पहुंच जाएंगे, बस शेयर करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखते।